राजधानी दिल्ली के जंगपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरों में आप देख पाएंगे वो जगह जहाँ पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का सत्याग्रह, पानी सत्याग्रह चल रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। हालांकि जो तस्वीरें सुबह की आपको नजर आएंगी, मंच खाली है, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता आपको नजर नहीं आएगा, केवल जो पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये है सुबह के हालात यहाँ पर, ये पानी सत्याग्रह जिसका आज तीसरा दिन है। हरियाणा से जो पानी आना था, हरियाणा से जो दिल्ली के लिए पानी आता है उसको लेकर विवाद चल रहा है और उसको लेकर ये जल सत्याग्रह। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसमें ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जंगपुरा के जो रिहायशी लोग हैं, जो इस अनशन को पिछले 3 दिन से करीब से देख रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि आखिर में जनता की जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? यहाँ पर ये अनशन चल रहा है, आज तीसरा दिन है इसका, आप यहीं पर रहते हैं, आप जंगपुरा में? यही रहते हैं भोगल में। क्या आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आप? ये जो है जो ना रास्ता रोका हुआ है सत्याग्रह, पहले तो जगह सत्याग्रह के लिए है ही नहीं, क्योंकि छोटी सी गली है, उसके अंदर क्या सत्याग्रह, किसी पार्क में रामलीला मैदान वहाँ करते तो ज़्यादा इन्हें अच्छा रहता इनके लिए। और यहाँ ये जो जनता है इकट्ठी नहीं हो पा रही है, शायद वहाँ हो जाती इतनी इकट्ठी, लोगों को बहुत परेशानी है। बस ये है मेन बात, ये है कि बुजुर्ग वार को बहुत परेशानी है, जब मंदिर में आते हैं बुजुर्ग बहुत हैं, कल तो एक बुजुर्ग यहाँ गिर भी गए थे, उन्होंने खूब विरोध किया। अच्छा, जैसे अभी कुछ जैसे 10 बजे के करीब आतिशी शायद यहाँ पर आएंगी, अभी सुबह वो यहाँ पर नहीं है, इसको लेकर क्या जनता क्या सोच रही है इसको? नहीं, हमें तो ये सोच रहे हैं कि सत्याग्रह का मतलब तो ये होता है कि रेगुलर स्टेज पर बैठे रहें, पार्ट बाय पार्ट नेता एक दूसरे से बदलते रहे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि 24 घंटे कोई एक नेता नहीं बैठ सकता, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि घंटे दो घंटे का अपना इवेंट किया, चले गए, फिर इवेंट किया, फिर आ गए। आपका क्या नाम है? जगदीश जी। जगदीश जी आप बताइए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह का वक्त है, अभी आतिशी जी यहाँ पर नहीं है, करीब 10 बजे शायद वो यहाँ पर आएंगी, जनता क्या सोच रही है इस बारे में? जनता कुछ नहीं सोच रही है, नौटंकी हो रही है, पार्क, ये पार्क वाली जगह नहीं है, पब्लिक इतनी परेशान है, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, मेन रोड है ये तो पार्क में करना चाहिए था ना, यहाँ इलाके में करने का क्या फ़ायदा उसका? ये धरना सही है? बिल्कुल गलत है, ये नौटंकी है, धरना कुछ नहीं है, खा पी के आएंगे दोपहर को फिर चली जाएंगी, ये कोई धरना है? ऐसा टेंशन होता है क्या? क्या पता घर से खा के आ रहे हैं या खाली बैठे हैं, पानी पी के निकल गए, विश्वास नहीं है जनता? विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं, ये नौटंकी है। ये तो राजधानी दिल्ली की अपनी जल मंत्री हैं और दिल्ली के लोगों के लिए धरना कर रही हैं, क्या विश्वास नहीं है जनता को? विश्वास है जी, जनता, यहाँ पानी खूब आ रहा है, जहाँ पानी ना आ रहा हो वहाँ करें ये सत्याग्रह। ये सत्याग्रह की वैसे जगह ही नहीं है, ये छोटी सी कॉलोनी है, कॉलोनी में लोग आना जाना सब बंद हो गया है इस गली से, ये मार्केट का मुख्य रोड है, ये मार्केट में जो रोड से आते हैं लोग, ये मुख्य रोड है, यहाँ पे सब बाधित हो गया है, यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। हाँ, और जनता को क्या विश्वास है, क्योंकि आप ही की जल मंत्री हैं, यहाँ पर धरना दे रही हैं, जनता को विश्वास है? जनता का क्या विश्वास है, यहाँ तो पानी आ ही रहा है, कहने का मतलब यहाँ जब पानी आ रहा है तो जहाँ ना आ रहा हो वहाँ करे ना, यहाँ तो रेगुलर पानी है। क्या समझा जाए सर, क्या समझा जाए जंगपुरा के जो लोग हैं, जो इस अनशन को करीब से देख रहे हैं, उनको क्या ये लग रहा है कि हाँ हमारी मंत्री हैं हमारे सपोर्ट में कुछ बात कर रही हैं, या जनता खुश नहीं? नहीं, वो ठीक है, जो ये कर रही हैं वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं, डिनाय नहीं कर रहे हम, लेकिन क्या कि जो जगह जो चूज करी वो गलत है। अब देखो, आप ये देखिए, जाम पूरा लगा, अभी सुबह कितना जाम लग गया, अब दिन भर पुलिस इस व्यवस्था में लगी रहती है, तो आम जनता जो परेशान है, और कोई बात नहीं, करना चाहिए अनशन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कोई जगह, उपयुक्त जगह हो उसमें करें, हम उनके साथ हैं, इस मामले में कोई हमें वो नहीं है। आपका क्या नाम है सर? जोगेंद्र कुमार। आप भी यहीं पर रहते हैं, जनपुरा में रहते हैं, ये अनशन जो हो रहा है यहाँ पर, अभी सुबह का वक्त है, अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता नहीं है, और करीब 10 बजे आतिशी जी शायद यहाँ पर आएंगी, जनता क्या सोचती है इस बारे में?
जनता तो बुराई सोच रही है, जब जनता को परेशानी है तो जनता इससे ज्यादा क्या करेगी। असली तो जनता को परेशानी है, उनको क्या परेशानी है, उन्होंने तो सकोटी लगा दी अपनी सकोटी से रोड साफ कर रहे हैं। परेशानी तो गली में जो रियाज है सारी, आने जाने वालों को तो परेशानी तो उनको ही नहीं है। जो मेन रास्ता जो अंसल करने की जगह है वहाँ अंसल करें ना, ये अंसल करने की जगह कोई है? ये तो कोई एक धर्मशाला एक गली रोक के पब्लिक को परेशान करने वाला काम हो गया। लोग जो है रिहायशी लोग यहाँ पर जो जंगपुरा में रहते हैं वो इससे थोड़ा नाखुश नजर आ रहे हैं, उनको उनका जो आम जनजीवन है उसमें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शायद लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पानी सत्याग्रह जो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कर रही हैं उसका आज तीसरा दिन है और देखना होगा, क्योंकि कल डीटीसी के पूर्व बस मार्शल्स ने भी यहाँ पर धरना दिया था और उन्होंने आतिशी जी को एक चिट्ठी भी दी थी, तो अब उस चिट्ठी का क्या जवाब होगा और वो आगे क्या करेंगे ये सब आज देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं रिया जातुष्करण, एबीपी न्यूज दिल्ली।